चलिए अब खबरें विस्तार से। जहां यूपी चुनाव से पहले दल बदल का दौर लगातार जारी है। सपा विधायक सुभाष राज बीजेपी में शामिल हुए हैं। जलालपुर विधानसभा से सपा के विधायक हैं स्वतंत्र देव सिंह। दोनों डिप्टी सीएम ने सदस्यता दिलाई है। तो लगातार चुनाव के पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। जलालपुर विधानसभा के सपा के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। यूपी चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है और इस दल बदल के सिलसिले में सपा विधायक सुभाष राज बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम दोनों ही मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई पार्टी की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां जलालपुर विधानसभा से सपा के विधायक हैं सुभाष राज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यूपी चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है और सपा विधायक सुभाष राज बीजेपी में शामिल हुए। सुभाष जी को पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे। युवा मोर्चा के अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ पदाधिकारी थे। पुनः बीजेपी में इनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। और जो कानून का राज है राज्य के अंदर, जिसके कारण राज्य के अंदर शांति है और एक राष्ट्रवाद और विकास की जो बयार चल रही है राज्य के अंदर, जो वातावरण निर्मित हो रहा है, ये सब देखते हुए सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। हम सब हृदय से उनका स्वागत करते हैं और आपके आने से पार्टी का कद भी बढ़ेगा और पार्टी मजबूत भी होगी अंबेडकर नगर जनपद में भी, अपने क्षेत्र में भी, अवध क्षेत्र में। और आपका प्रभाव है, नीचे तक प्रभाव है, दलित शोषित वंचितों के बीच में भी, पिछड़े क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन के माध्यम से आप काम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा ने यूपी में 5 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। औरैया के दिबियापुर से प्रदीप कुमार यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कानपुर के बिछुर से मुनिंद्रा शुक्ला को सपा का टिकट दिया गया है। रसूलाबाद सीट से कमलेश चंद्र दिवाकर सपा प्रत्याशी हैं। बदायूं से सपा ने मोहम्मद रजवान को टिकट दिया है। फिरोजाबाद से सैफुर रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 5 सीट और जहां से सपा के प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया है। तो वही 28 जनवरी को नामांकन करेंगे शिवपाल यादव। जसवंत नगर सीट से नामांकन करेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर दी नामांकन की जानकारी। इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव नामांकन करेंगे और उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि आगामी 28 जनवरी दिन शुक्रवार पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल और अन्य दिशा निर्देशों के साथ इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा और प्रसपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। तो शिवपाल यादव ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट में, ये आपको हम बता रहे हैं। और वो 28 जनवरी को नामांकन करेंगे। सीएम केजरीवाल ने गिनाई दिल्ली मॉडल की खूबियां। दुनिया भर में दिल्ली के काम की चर्चा हुई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जैसा काम पूरे देश में होना चाहिए। दिल्ली के लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं। दिल्ली के विकास की दुनिया में चर्चा हो रही है। तो केजरीवाल ने दिल्ली की खूबियां गिनाई है। दिल्ली में जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर बाकायदा कहा कि दुनिया में चर्चा हो रही है दिल्ली मॉडल की। दिल्ली के लोग हमारे काम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं और हमारे काम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ২০১৩ में 49 दिन के काम को देख के आपने हमें
2015 में और फिर 2020 में भारी बहुमत दिया। आप हमें बार बार चुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी, हर वादे पूरे किए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए, ऐसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए? बाकी देश के भी स्कूल, अस्पताल अच्छे होने चाहिए? बाकी देश में भी बिजली 24 घंटे होनी चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए, बाकी देश में भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए? चाहते हैं ना आप? हम दिल्ली में ये सब अच्छे काम कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। बाकी जगहों पे भी हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर संबित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी चुनाव एक्सप्रेसवे का चुनाव है, सपा की गुंडई एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे चाहिए। संबित पात्रा ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या रंगदारी एक्सप्रेसवे चुनेंगे। रंगदारी एक्सप्रेसवे में चुनाव करना है, बुंदेलखंड या दंगाई एक्सप्रेसवे में आप चुनाव करें। गोरखपुर लिंकवे और माफिया एक्सप्रेसवे में चुनाव। तो संबित पात्रा का बयान आया है, सपा पमला बोला है संबित पात्रा ने। क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, आपको सुनाते हैं। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगा एक्सप्रेसवे के बीच में, और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है। ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेसवे का चुनाव है। दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे। And this appeal of mine is to the youth of Uttar Pradesh, the educated, dynamic youth of Uttar Pradesh. It is a versus election, expressway of Bharatiya Janata Party versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगाई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है गोरखपुर लिंकवे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में, और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश की नजर में पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। अखिलेश का बयान दुखद और चिंताजनक है, इसलिए अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जिन्ना की रट लगा रहे थे। यूपी में अखिलेश पाकिस्तान को लेकर आए। संबित पात्रा ने कहा कि जिन्ना से जिसे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। अराजकता फैलाने के लिए सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है, और वो संदेश विकास का। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है, और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद नामांकन में प्रत्याशी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीधे भाजपा पर हमला बोला। इमरान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ठोकों की राजनीति कर रही है,
हिंदू मुस्लिम को बांटकर अपनी सत्ता चला रही है। एक सवाल के जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति समाजवादी पार्टी नहीं लगाएगी बल्कि भाजपा लगाएगी, क्योंकि आजादी से पहले श्यामा प्रसाद के साथ मिलकर यह साबित कर दिया था कि जिन्ना के साथ कौन है। मुस्लिम तो जिन्ना को पसंद ही नहीं करते क्योंकि उसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। सरदार पटेल हमारे आदर्श है, सरदार पटेल हमारे आदर्श है, जिन्ना हमारे आदर्श नहीं है। जिन्ना हमारे आदर्श होते तो हम भी पाकिस्तान में होते। हम जिन्ना को अपना गुनाहगार मानते हैं। जिन्ना ने देश का विभाजन किया, जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाईं। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे। ना हमारे हमारे बाबा अजदाद ने जिन्ना का समर्थन करने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे कि जिन्होंने बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जिनको सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बताती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उन्हीं की सरकार के अंदर, मुस्लिम लीग के ए के फजल अलग साहब की सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर 12 दिसंबर 1941 को उन्होंने ओथ ली थी। 12 दिसंबर 1941, मैं डेट भी बता रहा हूँ, 12 दिसंबर 1941 को ओथ भी ली थी उन्होंने। तो ये लगाएंगे जिन्ना की मूर्ति जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें बनाई। अलीगढ़ में एक शादी समारोह में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर यहां पर आया है, 15 मार्च तक रहेगा, प्रवचन देगा, उनसे जनता को बस बचना है। यहां जाति और धर्म पर वोट मांगी जाती है। जब तक देश जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम में बंटता रहेगा देश विकास नहीं कर सकता। और 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा चुनाव में क्या रहेगा, तो इसका मतलब ट्रेनिंग किसानों की कच्ची रही। आधे रेट में फसल बेच के, आलू को आधे रेट में बेच के, अब भी चुनाव की बतानी पड़ेगी कि क्या करना है चुनाव में। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे, उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर मंच पारा और महेंद्र भाई और बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वर्ष 2022 और 21 के लिए PMRBP पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिसमें यूपी के 5 बच्चे भी शामिल हैं, मोहम्मद रफी, चिराग भंसाली, मोहम्मद शादाब, व्योम आहूजा और कुंवर दिव्यांश सिंह को भी पीएम मोदी ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। कला संस्कृति से लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेकविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपको आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। कन्नौज में भाजपा के जनसंपर्क अभियान पर सपा ने ऐतराज जताया है। सपा का आरोप है कि कोरोना प्रोटोकॉल को अनदेखा कर भाजपा प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। सपा नेता ने भाजपा प्रत्याशी की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। बता दें कि कन्नौज की सदर सीट SC के लिए सुरक्षित है। भाजपा ने यहां से अपना प्रत्याशी कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को बनाया है। आज भाजपा उम्मीदवार
सदर क्षेत्र से जनसंपर्क के लिए निकले थे। उनके साथ सांसद सुब्रत पाठक सहित समर्थकों की भारी भीड़ लगी थी। प्रत्याशी ने कहा है कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार कर भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं वो नामांकन दाखिल करने के पहले जो वोट मांग रहे हैं, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार किया जा रहा है। अनिल दोहरे का बीजेपी पर आरोप है। निर्वाचन आयोग के निर्देश जो आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार और तत्पर है और कर भी रही है, जबकि उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से इसका उल्लंघन करने पर आमादा हैं। आज भी देख रहे हैं कन्नौज में वोट 10 लोगों को डोर टू डोर वोट मांगने की परमिशन है, जबकि 200 लोग एक साथ बिना मास्क के वोट मांगते घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बहुत भीड़ ले जाकर बिना मास्क के डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि ऐसे निर्वाचन। आगरा में सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से 8 लोग घायल हुए हैं। सिलेंडर में लीकेज की वजह से हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। शाहगंज थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगरा में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। लीकेज सिलेंडर में हो गया और आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। आधा से ज्यादा घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, टूट गया है। आगरा में सिलेंडर फटने से इस हादसे की तस्वीर आप देखेंगे, जहां 8 लोग इसमें घायल हुए हैं सिलेंडर फटने से। फिलहाल इन 8 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। अयोध्या में विधानसभा चुनाव के बीच और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां रेल पुल के 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोल दिए गए। स्लीपर और पटरी को पुल से जोड़कर रखने में ये बोल्ट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी, तब तक 3 प्रमुख ट्रेनें इसी पुल से गुजर चुकी थी। इस घटना से रेलवे अधिकारी सकते में हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल हादसे की आशंका व्यक्त करते हुए तहरीर दी है। तो वहीं इस पूरी घटना के पीछे बड़ी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। रेल कर्मचारियों का मानना है कि इन बोल्ट को कोई आसानी से नहीं खोल सकता। इस घटना को सामान्य चोर नहीं अंजाम दे सकते हैं। अगर 2-3 बोल्ट और लापता हो जाते तो ट्रेन भी पलट सकती थी। खबर रायबरेली से, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। युवती और उसके परिजनों को लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट का जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बछरामा थाना क्षेत्र के छोटकवा खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दबंगों की दबंगई का मामला। युवती और उसके परिजनों को लाठी डंडों से पीटा गया है। जब छेड़खानी का विरोध किया परिजनों ने, तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। और आप देखिए कैसे आखिर ये मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। जांच पड़ताल जारी है। रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। परिजनों को दबंग मारते पीटते नजर आए लाठी डंडों से। युवती और उसके परिजनों को लाठी डंडों से पीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।